एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर आपकी बुक से, लिटरेरी जर्नीज एन इंग्लिश रीडर प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। तो हमारे चैप्टर का नाम है आज कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स, वर्ड्स विद ए आई, ए वाई, ए आर, ओ डब्ल्यू, ई ए, ए आर के। ठीक है, तो अब हम इनमें इस चैप्टर में नए वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू वर्ड्स काफी सारे, ए आई वर्ड्स जिसके बीच में ए आई आता है, फेल, हेल, सेल, जेल, मेल, टेल, रेल, पेल। नेक्स्ट हमारे पास है ए वाई वर्ड्स जिसके अंदर ए वाई आता है, ब्रे, ग्रे, ट्रे, प्रे, स्प्रे, प्ले, स्वे। नेक्स्ट हमारे पास है ए आर, फार्म, हार्म, वार्म। ठीक है, ये ए आर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए आर के वर्ड्स जिसके एंड में या जिसके अंदर ए आर के आता है, बार्क, डार्क, लार्क, मार्क, पार्क। नेक्स्ट हमारे पास है ओ डब्ल्यू वर्ड्स। देखिए ओ डब्ल्यू वर्ड्स, क्रो, ग्रो, थ्रो, नो, शो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ई ए वर्ड्स। क्या है ई ए? बीट, मीट, फीट, हीट, नीट, सीट। ठीक है, ये हमारे हैं ई ए वर्ड्स। आगे देखेंगे ए आर डी वर्ड्स जिसके अंदर ए आर डी आता है, कार्ड, हार्ड, वार्ड, यार्ड। ओके, सो नाउ वी विल सी ओ डब्ल्यू एल वर्ड्स। ओ डब्ल्यू एल, सबसे पहले हमारे पास है आउल, हाउल, फाउल एंड बाउल, जिसे हम बोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओन, ओ डब्ल्यू एन वर्ड्स, टाउन, गाउन, टाउन, ब्राउन, क्राउन, ड्राउन, फ्राउन। नेक्स्ट इज ओ डब्ल्यू, जिनके बीच में क्या आता है? ओ डब्ल्यू आता है, बोवर, टावर, टॉवल, शावल, फ्लावर, शॉवर। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वी हैव ओ यू वर्ड्स। कौन से वर्ड्स हैं ये? ओ यू, आउट, स्टाउट, स्प्राउट, ग्राउट, हाउंड, ग्राउंड, माउंटेन, फाउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट इज ओ आर, जिसके बीच में ओ आर आ रहा है, कॉक, स्टॉक, पॉक, फॉक, फोर्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज ओ एन जी, जिसके एंड में क्या आ रहा है? ओ एन जी आ रहा है। देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, डोंग, लॉन्ग, सॉन्ग, टोंग। तो ये हमारे क्या है? ओ एन जी वर्ड्स हैं। अब हमारे पास है रिकोगनाइज एंड फिल द करेक्ट लेटर्स। ठीक है, हमें रिकोगनाइज करना है और करेक्ट लेटर्स को फिल करना है। फर्स्ट इज बाउल, सो यहाँ पे क्या होगा? बी ओ डब्ल्यू एल, बाउल। नेक्स्ट इज क्राउन, नेक्स्ट इज ओ डब्ल्यू, यहाँ पे भी ओ डब्ल्यू आएगा ना, आपको चूज करना है कि ओ डब्ल्यू आएगा या ओ आर आएगा, ओ डब्ल्यू आएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द ए आई एल वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एफ से बन गया फेल, एम से आप बना सकते हैं मेल, एच से बना सकते हैं एच ए आई एल, हेल। ठीक है, फिर आगे क्या है? एन से क्या बना सकते हैं? एन से बना सकते हैं नेल, एस से बना सकते हैं सेल, पी से क्या बना सकते हैं बच्चों? पेल। ठीक है, जे से क्या बना सकते हैं आप? वेरी गुड, जेल बना सकते हैं। टी से बना सकते हैं टेल। ठीक है, तो ये सारे हमारे ए आई एल वर्ड्स थे जो हमने कर लिए। ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। यू हैव टू कलर दीज पिक्चर्स ब्यूटिफुली, यू हैव टू कलर द पिक्चर्स ब्यूटिफुली। आपको इन दो पिक्चर्स को अच्छी तरीके से कलर करना है। नाउ एस एच एंड सी एच वर्ड्स,
सबसे पहले एस एच वर्ड्स जिसके अंदर एस एच आता है, शार्क, शार्प, शर्ट, शेप, शेव, शेम, शेड, शेक, शूट, शुक। नेक्स्ट है एस एच वर्ड्स जिसके एंड में एस एच आ रहा है, डिश, फिश, विश, बुश। नेक्स्ट इज सी एच, चाट, चाप, चौक, चांस, जिसमें च की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, च की, सी एच की। चेस्ट, चीक, चीज, चिन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी हैं, शू, श, जिसमें एस एच की साउंड आती है, शो, शट, शन, शाइन, शेल, शॉट, शॉप, पुश, ब्रश, रश, रैश, गैश, हश, वॉश। गॉट इट एवरीवन? नाउ चिक, चिल, जिसमें च सी एच की आ रही है, चेन, चेयर, चाइल्ड, चेरी, चबी। नाउ वी हैव वर्ड्स विद यू आई यू एस एस एन जी यू एन, जिसके अंदर ये सारी साउंड्स आए। सबसे पहले है यू आई, जिसके अंदर यू आई की साउंड आती है, क्विल्ट मतलब ब्लैंकेट, जो आप अपने ऊपर ओढ़ते हैं ना रात में, उसे क्विल्ट बोलते हैं। बिल्ड, गिल्ट, फ्रूट, जूस, गाइड। नेक्स्ट इज यू, जिसके अंदर यू आ रहा है, क्यूब, ट्यूब, प्ल्यूम, फ्लूट, ब्लू, जिसमें यू आ रहा है, आप देख सकते हैं ना, इन सब में पिंक से लिखा हुआ है यू वर्ड्स। डबल एस, जिसके एंड में एस एस, दो बार एस आ रहा है, मास, पास, क्लास, ब्रास, ग्लास, मेस, ड्रेस। नाउ एन जी वर्ड्स, जिसके एंड में एन जी आता है, डिंग, किंग, रिंग, सिंग, थिंग, बैंग, हैंग, रैंग, सैंग, गैंग। ठीक है, एंड में क्या आ रहा है, एंड में एन जी आ रहा है। नाउ ग्लू, क्लू, फ्लू, ये यू वर्ड्स हैं। यू एन वर्ड्स में डंग, हंग, लंग, रंग, संग हमने पढ़ लिए थे। नाउ डबल एस वाले में और कुछ वर्ड्स लिखे हैं, देखिए, ब्लेस, चेस, गेस, हिज, मिज, किस, बॉस, लॉस, ग्रॉस, टॉस। सबको बात समझ आई? अब हमारे पास है इनसर्कल द ऑड वन आउट, जो भी हमें बिल्कुल अलग लग रहा है ना, ऑड लग रहा है, सबसे अलग, उसको सर्कल करना है। ब्लेस, चेस, गेस, हिज, अब बताइए इसके अंदर कौन सा आपको सबसे अलग लग रहा है। ब्लेस, चेस, गेस, हिज। हिज क्यों है? क्योंकि ये एक फोर लेटर है और सारे फाइव लेटर वर्ड्स हैं। किस, बॉस, लॉस, टॉस, सबसे अलग कौन सा है? किस। सिंग, किंग, रंग, पिंग, सबसे अलग क्या है? रंग, क्योंकि और सारे आई साउंड वर्ड्स हैं। नाउ वी हैव टू राइट एस एच वर्ड्स, हमें लिखने हैं शॉप, और क्या लिख सकते हैं, शट, राइट, शॉट, शिप, राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं एस एच वर्ड्स, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट फोर आप इन्हें खुद से ट्राई करेंगे। राइट, नाउ यू हैव टू इनसर्कल द सी एच वर्ड्स, जिन भी वर्ड्स में सी एच आ रहा है आपको उन्हें सर्कल करना है। राइट, देखिए ये रहा चीप, चेस, चिक, राइट, चेयर भी दिख गया हमें, सी एच ए आई आर, चेयर, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिन दिख गया हमें, सी एच आई एन, चिन, राइट, चार्ट दिख गया हमें यहाँ पे, सी एच ए टी, चार्ट। तो इस तरीके से हमने ये क्रॉस वर्ड बोलते हैं, इसे हमने क्रॉस वर्ड को साथ में सॉल्व कर दिया। ठीक है, किसको सॉल्व कर दिया? क्रॉस वर्ड को। चलिए, नाउ यू हैव वर्ड्स विद बी एल, सी एल, एफ एल, डी आर, टी आर, सी आर। बी एल, जिसके अंदर बी एल आ रहा हो, ब्लैक,
ब्लीच ब्लड ब्लॉक ब्लैंकेट ब्लू ब्लो ब्लैंक सी एल क्लास क्लाउन क्लियर क्लोज क्लाउड क्लाइंब क्लॉक क्लिप एफ एल में देखेंगे अब फ्लिक फ्लैग फ्ली फ्लॉक फ्लेम फ्लोट फ्लैश फ्ला ओके नाउ डी आर ड्रिप ड्रिंक ड्रैग ड्रिल ड्राइव ड्राउन ड्रॉप जिसके अंदर डी आर आ रहा हो नेक्स्ट इज जिसमें टी आर आ रहा हो टी फॉर टाइगर वाला टी ट्रेल ट्रैप ट्री ट्रस्ट ट्रीट ट्रंक ट्रे ठीक है ये सारे वर्ड्स हैं जिनमें टी आर आ रहा है नेक्स्ट इज सी आर जिसमें सी आर आ रहा है जैसे क्रिब क्र्यू क्रो क्रैश क्रीप क्रॉस क्रॉल नाउ वी हैव सी एच वर्ड्स जिसमें क्या आ रहा है लास्ट में सी एच आता है कौन कौन से वर्ड्स हैं वो बेंच फ्रेंच मच जिसमें च सी एच की साउंड आ रही हो टच सच टी एच जिसमें थ की साउंड आ रही हो वो टी एच होता है थिन थिंक थिंग थ्रिल थीफ ठीक है नेक्स्ट फिर से टी एच वर्ड्स है जिनके एंड में टी एच आ रहा हो बाथ पाथ क्लॉथ अर्थ टीथ ठीक है इसी तरीके से आपको और देखिए ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं आप इन्हें रीड करिएगा ठीक है आगे लिखेंगे अब हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है हमें सी एच साउंड के वर्ड्स लिखने हैं पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके फर्स्ट इज थर्टीन सो टी एच आई आर टी ई ई एन थर्टीन स्पेलिंग याद होनी चाहिए सबको ये क्या होता है थंब होता है ना तो हम लिखेंगे थंब टी एच वर्ड नेक्स्ट इज थीफ नेक्स्ट इज थ्री ठीक है अगला क्या है ये क्या है आप बता सकते हैं ओके यू विल राइट दिस योरसेल्फ एंड दिस वन आल्सो यू विल राइट योरसेल्फ ये टी एच वर्ड्स हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट टू आप खुद से लिखेंगे ओके बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है नाउ यू हैव टू राइट द सी एच वर्ड्स अगेन हियर ही इज एट द डैश ही इज एट द बीच She is having lunch. Lunch में last में ch आता है ना I love to eat peach. P-A-P-E-A. लिखिए मेरे साथ साथ ch. Peach. ठीक है last में ch आता है अब आपको draw करने हैं इन pictures को जो भी आपको words दिए हैं सबसे पहले earth. तो आप एक earth draw कर देंगे right? और teeth. टीथ भी आपको ड्रॉ करने हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन नाउ टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर